नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी का नंबर के द्वारा आप किसी भी गाड़ी का मालिक का नाम कैसे जान सकते हैं। आपको किसी भी जगह में अगर किसी गाड़ी का नंबर मिल गया है और आपको उस गाड़ी का ओनर का नाम जानना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से आप ओनर का नाम जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम गूगल में पहले चला जाते हैं और उसमें सर्च करते हैं parivahan.gov.in, इसे सर्च कर देंगे। इसे सर्च करने के बाद जो पहला वाला URL, पहले वाला जो सर्च रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद parivahan.gov.in का जो इंडियन गवर्नमेंट का परिवहन का वेबसाइट है वो खुल जाएगा। अब दोस्तों, हम परिवहन का वेबसाइट में आ गए हूँ और परिवहन का होम पेज जो हमारे सामने खुल चुका है। हम यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद आपको दिखाई देगा नो योर व्हीकल डिटेल्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये एक नया पेज में हमें रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो गाड़ी का ओनर का नाम आप जानना चाहते हैं उस गाड़ी का नंबर। कभी भी आप देखिए, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो आप इसका ज़रूरत पड़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे अपना जो गाड़ी का नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे रेंडमली एक गाड़ी का नंबर डाल दिया हूँ, इस प्रकार से डालना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जो कैप्सा कोड है उसे डाल दीजिए यहाँ पे। कैप्सा कोड डालने के बाद चेक स्टेटस में आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद देखिए, ये जो गाड़ी है किसी लोहित डेका के नाम पे है, ओनर का नाम है लोहित डेका। और आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर का तो दो चार सामने वाला, पहले वाला दो चार अंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इंजन नंबर का भी वो दिखाई देगा आपको। तो ये है मोटरसाइकिल, हीरो हुंडा मोटर्स का मोटरसाइकिल है ये। और इसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आपको दे रखा है। तो आप इसमें आप गाड़ी का ओनर का नाम जान लिया है और आपको अगर किसी चीज़ में कैश फाइल करना है, ये कुछ भी कराना है, आपको यहीं से इसके नाम को लेके जा सकता है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं बताने जा रहा था आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छा लगा होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।